ट्रैक 1889 में तो बना अंग्रेजों के टाइम में, और यहाँ सवारी और मालगाड़ियाँ चलती थी मीटर गेज, नैरो गेज से मीटर गेज हुई, और 1989 में ये स्टेशन उधर दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया। बाढ़ के कारण मिट्टी आने से स्टेशन पर भर जाती थी, इसलिए 2-3 बार बाढ़ आ गई, इसलिए ये उधर शिफ्ट कर दिया इसको। लोगबाग आसपास के 210 गांवों के लोग इधर यहाँ रेलवे स्टेशन से उतरते थे और तांगे चलते थे, उससे आवाजावन होता था लोगों का। और यहाँ धर्मशाला थी उस पास में, जो उसमें बैठ और रात भर लोग रुकते थे और सुबह निकलते थे, नाइट की कोई ट्रेनें आती थी उससे। हाँ, व्यापारी आते थे, माल गोदाम था यहाँ, और रेलवे का जोधपुर डिवीजन का और वेस्टर्न डिवीजन का ये ट्रांजिट स्टेशन था। नवाई जनता को रोजगार और अच्छा फायदा मिलेगा और यहाँ की ये वैल्यूएशन बढ़ेगी और आय का साधन बढ़ेगा लोगों का, और एरिए का विकास होएगा। ये जब स्टेशन पहले चलता था, जब हम करीबन 13-14-15 साल के थे, और 40 साल बाद में ये स्टेशन वापस यहाँ आया है, तो हमारे को भी बहुत खुशी है। और यहाँ लोग बाग आएंगे, ट्रेनें चलेगी और रोजगार बढ़ेंगे। आपका नाम? प्रभु दयाल यादव। ये 68 के अंदर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के अंदर काफी रेलवे को नुकसान हुआ था, तो रेलवे ने ये सोचा कि भाई हर वर्ष बाढ़ आती है, इससे स्टेशन को यहाँ से उठाया जाए। तो उसके बाद 68 के बाद बाढ़ के अंदर फिर चलती रही ट्रेनें, उसके बाद फिर बाढ़ आई, फिर बाढ़ आने के बाद फिर रेलवे ने विचार किया भाई यहाँ से उठाया जाए, फिर स्टेशन को उठा करके और नई रेलवे लाइन पर वहाँ डाल दी गई थी। 1978 के आसपास हुई थी मेरे अंदाज से। यहाँ रेलवे स्टेशन था तब लोगों को बहुत फायदा होता था, यहाँ पे बहुत बड़ा माल गोदाम था, जहाँ से लोग बाग अपना परचूने का सामान वगैरह उस ट्रेन से मंगाते थे। सिक्कर साइड के लोग बाग, रामगढ़ साइड के, मारुपुर साइड के लोग बाग सभी इसी रेलवे के द्वारा अपना माल मंगवाते थे, वो काफ़ी माल गोदाम था और बड़ा अच्छा रेलवे स्टेशन था, सबको अच्छा लगता था, आने जाने में बड़ी सुविधा थी लोगों को। इससे नवाई जनता को ये फायदा होगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे, रहेंगे, अफसर लोग रहेंगे, उनके बच्चे वगैरह यहाँ पढ़ेंगे, और व्यापारियों को लाभ होगा, दुकानदारों को लाभ होगा, स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, ये लाभ होगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है।